बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कान बड़े हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। ये मास्क जब मैं पहनता हूँ, ये लचक वाला है, कपड़े वाला, ये कानों को खींच देता है। तो इस तरह मुझे भी लगता है कि मेरे कान शायद बड़े हो गए हैं, ये आगे आ गए प्रॉब्लम। अभी मैं आया था जी यहाँ पर जिम फिटनेस क्लब, मैंने रात को देखा था यहाँ पर अंदर स्विमिंग पूल भी हैं दो, मैं अभी देख के आया हूँ, पता करके आया हूँ। वो कहते हैं बिल्कुल जी आ जाओ सुबह साढ़े आठ से लेकर शाम 8 बजे तक, और 32 मसलन 33 यूरो एक महीने का मसलन यहाँ पर है पैकेज। अगर दो बंदे आए तो 30 यूरो 29 यूरो लग जाएंगे, अगर दो बंदे दाखला लें 2-3 यूरो डिस्काउंट हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं आया हूँ चेक करने के लिए, देखने के लिए तो क्या पैकेज है उनका। तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश करनी है यहाँ पर मैं लूँ दाखला। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ आने करीब इंशाल्लाह पाकिस्तान, और वज़न भी मैंने बहुत ज़्यादा कम कर लिया, तकरीबन 30 किलो तक मैं पहुँचने वाला हूँ। तो ये जिम पर दाखला लेने का मकसद यही है। वैसे तो मैं रनिंग वॉक करता हूँ, वज़न कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करूंगा। पेट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया, लेकिन मैंने मज़ीद उसको कम करना है। और यहाँ पर तालाब भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो स्विमिंग करने से जो है ना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पेट कम होने में, मसलन थोड़ा जल्दी पेट कम होगा। स्विमिंग और साइकिलिंग और रनिंग से बहुत ज़्यादा पेट कम होता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशीनें होती हैं जो स्पेशल पेट के लिए होती हैं कि पेट कम हो। तो कोशिश करूँगा कि जितना भी टाइम मेरा पाकिस्तान जाने में बाकी है तो मैं यहाँ पर जिम पे आऊँ डेली की बुनियाद पे इंशाल्लाह, और कोशिश करके पेट को मज़ीद कम करूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन इंशाल्लाह मैंने इसको मज़ीद कम करना है। रात को मैंने गूगल अर्थ पे स्ट्रीट व्यू से ये गली देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा इतनी सोनी गली हमारे नज़दीक हमें पता ही नहीं है, बस ये रोड कितना प्यारा है, ये स्ट्रीट कितना प्यारा है, मुझे बड़ा पसंद आया। ये देखिए ये है जी फिटनेस जिम, इसका नाम है ओके मास फिटनेस क्लब। ये ओके मास फिटनेस क्लब, यहाँ पर भी इंशाल्लाह मैं आऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने फिंगर लगाए थे पिछले माह, मेरा रेजिडेंसी कार्ड 5 साल का परमानेंट जो कार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। मिनिस्ट्री मैंने फ़ोन किया था सुबह, वो कहते हैं आ जाओ ले जाओ। तो कल इंशाल्लाह मैंने जाना है वो कार्ड लेने, और कोशिश करूँगा दोनों दिन की वीडियो इकट्ठी बना के आपके साथ शेयर करूँ। पहले मेरा दिल था कि मैं जब कार्ड लेने जाऊँ तो वहाँ पर जाकर पिज़्ज़ा खाऊँ, थोड़ा इंजॉय करूँ, क्योंकि डाइटिंग कर कर के खाने पीने से परहेज़ किया है। लेकिन रमज़ान है तो रेजिडेंसी कार्ड आ गया तो ले आना चाहिए, रमज़ान है, इसमें कोई पार्टी कोई खान पीन नहीं चलेगा, खाली जाना है और लेके आ जाना है। और वज़न के हवाले से आपके साथ मैं बात करूं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जहां पर भी मैं स्टेटस लगाता हूं, अगर आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं तो वहां पर जाकर देखें जो मैंने तस्वीरें शेयर की हैं, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स आए हैं। हर बंदा यही पूछ रहा है वज़न किस तरह कम किया है, फेसबुक पर मैंने बताया, लेकिन जो मेरे YouTube वाले दोस्त हैं, YouTube वाली बहनें भाई फैमिली मेम्बर हैं, इंशाल्लाह मैंने 35 किलो का वादा किया अपने आप से कि मैंने 35 किलो वज़न ज़रूर कम करना है। जब मैं पहुंच जाऊंगा अपने टारगेट पे फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वज़न किस तरह कम किया और आप किस तरह कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन अभी बाकी हैं, इंशाल्लाह नज़दीक ही आ गया हूँ टारगेट अचीव करने वाला हूँ। तकरीबन 5-6-7 किलो बाकी है, इंशाल्लाह कम हो जाएगा। हार्ड वर्क करना पड़ता है, रोज़ा हो या ना हो वज़न कम करना बहुत मुश्किल है। जितना मैंने अपना टारगेट रखा है डेली का अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग कर लिया रोज़े की हालत में, अभी काफ़ी टाइम है रोज़ा खुलने में, लेकिन जो फिटनेस है वो इंशाल्लाह मैंने टारगेट अपना अचीव करना है जो मैंने फिटनेस का अपना क्राइटेरिया सेट किया है। तो अभी मैं जाऊंगा घर, थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर जाना है काम पे, क्यों एक दिन मुझे दिन को छुट्टी होती है और आज छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं बाहर निकला हूँ थोड़ी देर ही की है दिन को। वैसे मैं शाम को वॉक शॉक पिछले टाइम करता हूँ रमज़ान में, रमज़ान के पहले आपको पता है मैं मॉर्निंग वॉक करता था। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह, कल मैंने नमाज़ पढ़ के जाना है
बस पे जनाब इंशाल्लाह अपना रेजिडेंसी कार्ड लेने, तो सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। भागो 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 जी, दो गलतियाँ होंगी मुझसे, एक तो मैं जैकेट नहीं लेके आया, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, और दूसरी यार उठने को दिल नहीं कर रहा था, सुबह सुबह का टाइम था, रात को सोया, उसके बाद फिर रोज़ा रखने के लिए उठा, फिर सो गया नमाज पढ़ के, तो फिर अभी उठना था सुबह सुबह तकरीबन 9:20 का, तो इसलिए दिल नहीं कर रहा था, तो थोड़ा लेट उठाऊँ, अभी जल्दी आके जल्दी करो, बस पकड़नी है, निकलना जाए इधर, कहीं बस ना निकल जाए, क्या करें परदेसियों की ज़िंदगी इस तरह की है। चल सो चल है, इंशाल्लाह मैं पहुँचूँगा बस के टाइम, और उम्मीद है कि कार्ड मिल जाएगा, कल उसने बोला था कि कार्ड आ गया ले जाओ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज कार्ड मिल जाएगा। देखें जी सुबह सुबह का नज़ारा, बड़ा खूबसूरत मसलन माहौल होता है, अच्छा मौसम होता है सुबह सुबह, बस स्टॉप पे मैं पहुंच आया हूँ, तकरीबन 6-7 मिनट्स बाकी हैं अभी बस जाने में, तो ये कार्ड मिलना है, इस कार्ड पे ही पाकिस्तान आना है इंशाल्लाह। लो जी कार लो की ओनू पांडा इतने आया, टाइम ही बड़ा है बस भी जाने, 45 मिनट अभी बाकी हैं, नेट से जो मैंने टाइम देखा था वो है तकरीबन 9:45, तो यहाँ पर आया हूँ, ये कहती है 10:30 बस जानी है, ये शायद नेट पे अपडेट उन्होंने नहीं किया होगा इसलिए शायद, मैं तो नेट वाले टाइम को देख के कह रहा था कि लेट हो गया हूँ लेट हो गया हूँ, लेकिन यहाँ पर आया हूँ अभी 45 मिनट मज़ीद बाकी हैं, तो कोई बात नहीं, है टिकट मैंने ले ली है, तो अभी बैठा हूँ यहाँ पर, अभी बस आ जाएगी, क्या करना है, लेकिन बस से पहले ही आना चाहिए, लेट नहीं आना चाहिए, अगर लेट हो जाता तो बस ने चले जाना था, काम पे भी आना है इंशाल्लाह, बाद में काम पे भी आके जो है ना खड़ा होना है। बारिश भी लग गई है, ये है जो बस स्टॉप और ये बस आ गई है, इस बस पे भी जाना है मैंने, कार लेने आए ना इंशाल्लाह। बस पे मैं बैठ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो एप्लीकेशन थी मौसम की वो यही शो कर रही थी बारिश होनी आज, तो बारिश हो गई है, लगी है बारिश, देखें बारिश में मैं ये ना हो भीगता रहूँ सारा दिन, उम्मीद है कि बच जाऊँगा बारिश से, बस स्टार्ट कर लिया उसने, तो अभी निकलने लगी है, अभी बैठ गई हूँ मैं बस में, कोई बंदा नहीं पीछे, आगे बंदे हैं चंद, वो बड़ी आरामदायक और सॉफ्ट सॉफ्ट सीटें हैं, तो 1 घंटे का सफ़र है, आराम करके गुजारना है। ये जी जितने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जैतून के हैं, यहाँ अंदालुसिया में जिस सूबे में मैं रहता हूँ हर तरफ जैतून जैतून, ये सारा जैतून है, ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है अंदालुसिया, अगर आप जिधर भी सफ़र करें। अल्लाह के करम हो गए हैं, फजल हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन की परमानेंट रेजिडेंसी मुझे मिल गई है, ये कार्ड रिसीव कर लिया मैंने अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस कार्ड की मुझे काफ़ी अरसे से और बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी कर दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और काफ़ी वीडियो पहले मैंने जो मित्र दोस्त है मेरे वीडियो देखते हैं उनसे वादा किया था कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो आपका जो गुरुद्वारा है ननकाना साहब में बाबा जी गुरु नानक साहब का उसके आपको दर्शन करवाऊंगा, तो मित्रों इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर आपसे वादा
अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा, जाके दर्शन करवाऊँगा आपको। मित्र जिंदाबाद, सिंह इज किंग। मित्रों इतने मौका लाओ हूँ मैं आया लो पाकिस्तान। जब मैं सुबह घर से निकला था तो मैंने आपके साथ बात शेयर की थी कि मैं जैकेट नहीं ले के आया, मुझे सर्दी लग रही है। जब बस वाले ने बस स्टॉप पे जो थी टिकट देती थी वो कहती है 45 मिनट बाकी हैं, तो बस स्टॉप से 5-7 मिनट पैदल डिस्टेंस है जहाँ मैं काम करता हूँ, तो मेरी जैकेट वहाँ पर भी पड़ी थी तो मैं वहाँ चला गया जैकेट ले आया। क्यों, बारिश भी हुई है और बारिश होनी है अभी शायद मजीद, तो सर्दी लग रही थी। अभी यहाँ पर मई शुरू होने वाला है लेकिन अभी तक सर्दी जान नहीं छोड़ दी, देखें कब मौसम चेंज होता है। अभी थोड़ा टाइम बाकी है बस वापस जाने में, जहाँ मैं रहता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ अंदुहार से, तो हाइन है ये, यहाँ पर बैठा हूँ। अभी रेजिडेंसी जो मिली है मुझे स्पेन की, उसका लुत्फ ले रहा हूँ। तो वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आने करीब आया लो पाकिस्तान। वो ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।